वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे टॉप 5 शावर जेल्स। यू गाइस नो माय लव फॉर शावर जेल्स। मुझे पर्सनली शावर जेल्स बहुत पसंद है एंड रिव्यू करने के पर्पज से भी मैं कुछ नए नए ब्रांड्स ट्राई करते रहती हूँ। मेरे घर में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के शावर जेल है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे पर्सनल फेवरेट टॉप 5 शावर जेल्स एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो यस, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो। सो मैं रैंडमली ऐसे ही पिक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि टॉप फेवरेट से लेके कोई लीस्ट फेवरेट तक कुछ अकॉर्डिंगली उठा रही हूँ। जो भी मेरे हाथ में आ रहा है बस मैं रैंडमली पिक करते जा रही हूँ। सो जो फर्स्ट शावर जेल है वो है ये है आपका पिलग्रिम सीक्रेट ऑफ जूजू आइलैंड वॉल्केनिक लावा एश बॉडी वॉश। ऐसे है इसकी बॉटल। इसका मैंने एक सेपरेट रिव्यू किया है मेरे चैनल पे, इस वीडियो के पहले ही मैं उसे अपलोड कर दूंगी, तो वो वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप देख लेना। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मेरे पास बहुत सारे शावर जेल्स हैं, काफी सारे हैं जो मुझे काफी पसंद है, बट फेवरेट की लिस्ट में सारे शावर जेल्स नहीं आते हैं। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया था, लिटरली फर्स्ट यूज से ये मेरी फेवरेट की लिस्ट में आ गया था, तो अब आप समझ सकते हो कि मुझे कितना पसंद होगा। इसका जो मैंने सेपरेट रिव्यू किया है वहाँ पे मैंने डिटेल में इसके बारे में सब कुछ बताया है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा और कुछ बोल के बोर नहीं करूँगी। एक और बात बता दूँ, इसके साथ आपको एक बहुत ही अच्छा गुड क्वालिटी लूफा भी फ्री मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज बहुत सारे शावर जेल्स हैं, इनफैक्ट बॉडी शॉप के जो शावर जेल्स आते हैं लूफा उनके साथ भी नहीं आता है, आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। एंड शावर जेल को आप बिना लूफा के यूज नहीं कर सकते, इसके साथ एक फ्री लूफा आता है। एंड बाय द वे इसका MRP है 450 rupees फॉर 200 ml प्रोडक्ट। 3 weeks से मैं यूज कर रही हूँ, ये लिटरली इतना भी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा झाग करता है एंड आराम से आपका 4 months तक चल जाएगा, 450 का 4 months जाएगा। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत 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 अच्छी है। जब मैंने इसका रिव्यू किया था तब मैंने बताया था कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो स्किन बाय टाइटन का एक परफ्यूम है मिस्टिकल वैली, इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल वैसी है। तो जो मैंने रिव्यू किया है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो देख लेना, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा नेक्स्ट फेवरेट शावर जेल। सो गाइज, जो मेरा नेक्स्ट है वो मेरा मोस्ट फेवरेट शावर जेल है, मैंने कई बार मेरे चैनल पे इसको दिखाया है और मैंने बताया है ये है मेरा मोस्ट फेवरेट शावर जेल। कितने भी आएंगे जाएंगे सारे शावर जेल्स, बट ये है जो नंबर 1 की लिस्ट में हमेशा रहेगा। ये है आपका बॉडी शॉप का ब्रिटिश रोज एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, टॉप 10 प्रोडक्ट्स आई एम ऑब्सेस्ड विद, उसमें भी ये शावर जेल था, तो आप समझ सकते हो। एंड अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो आपको अच्छे से पता होगा कि ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा पूरा खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, इसे मैं डेफिनेटली रिपर्चेज करूंगी। ये 345 rupees का आता है, इसमें आपको 250 ml की क्वांटिटी मिलती है। ये एक बॉटल आपकी 6 months से पहले ख़त्म नहीं होगी, बहुत जाग करता है। इसके अंदर प्योर रोज़ की खुशबू है, मैंने आज तक कभी भी कोई एक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसको इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगी हो। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनका फेवरेट है ये शावर जेल, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इसे ट्राई किया होगा, आपका भी फेवरेट होगा अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है। मेरी तरफ से मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इस शावर जेल को, आई लव दिस एंड ये मेरा नंबर 1 फेवरेट है, बहुत टाइम से है, काफ़ी साल से है एंड आई एम श्योर हमेशा ये मेरा नंबर 1 फेवरेट रहेगा। आई लव दिस अ लॉट। एंड बाय द वे इसका भी एक सेपरेट रिव्यू किया है मैंने मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम पहले, उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख लेना। सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट शावर जेल है वो है आपका प्योर्स नेचुरल्स। आप देख सकते हो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा सा बचा है। बहुत पहले मैंने इसका भी एक सेपरेट रिव्यू किया था, आप लोगों ने उस रिव्यू को काफ़ी पसंद किया था। एंड ये जो है आपका वेरिएंट है पोमाग्रेनेट, इसमें और भी काफ़ी सारे आते हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि और भी इसके दूसरे वेरिएंट्स ट्राई करके उसका भी रिव्यू करना, तो डेफिनेटली मैं उनके और वेरिएंट का भी रिव्यू करूंगी आपके साथ। एंड बाय द वे ये है 100% सोप फ्री, इसमें वो क्वांटिटी मिलती है 250 ml की और इसका प्राइस है 180 rupees, काफ़ी अफोर्डेबल है। इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, फ्रूटी है एंड बच्चों से लेके बड़ों तक इसकी फ्रेग्रेंस सबको बहुत पसंद आएगी। स्किन पे काफ़ी जेंटल रहता है। इसका जो मैंने सेपरेट रिव्यू किया था वहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो मैं इस वीडियो में और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अगर आपको इनमें से कोई भी शावर जेल पसंद आता है तो उसका रिव्यू मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, आप देख लेना। बाकी अपनी तरफ से मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इस शावर जेल को भी एंड इसीलिए ये मेरे टॉप 5 की लिस्ट में है,
काफी अच्छा शावर जेल है, जरूर ट्राई करना अगर आपने कभी नहीं किया है। अगर आप उनमें से हो जिसको शावर जेल्स बहुत पसंद है तो आई एम श्योर ये वीडियो को काफी पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। हो सकता है इनमें से कोई शावर जेल हो जो आपने पहले ट्राई ना किया हो, आपको वो भी ट्राई करने का मौका मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो मैं आपको नेक्स्ट शावर जेल दिखाती हूँ। सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट शावर जेल है वो है निविया का। निविया के एक्चुअली दो शावर जेल का मैंने रिव्यू किया था, उसके पहले एक था वो क्रीम वाला, लाइक क्रीम बेस्ड शावर जेल था, वो भी काफी अच्छा था, बट मेरे टॉप 5 की लिस्ट में वो नहीं आता है बिकॉज मुझे पर्सनली जेल बेस्ड शावर जेल्स ज्यादा पसंद है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करते हैं, आपकी स्किन पे काफी जेंटल रहते हैं जो जेल बेस होते हैं ऐसे। आज की वीडियो में मैंने जितने भी शावर जेल दिखाए हैं वो सारे जेल बेस है, आप देख सकते हो ये भी जेल बेस है, ये भी जेल बेस है, मुझे ऐसे ही शावर जेल पसंद है, ये जेंटल रहते हैं स्किन के ऊपर, इन्हें हर एज के लोग लगा सकते हैं, अगर कोई 7 या 8 इयर्स का बच्चा भी है ना वो भी इसे आराम से यूज़ कर सकता है, उसके स्किन पे भी ये हार्श नहीं रहते हैं जो ये जेल वाले होते हैं। सो मेरे पास ये जो है ये है निविया शावर जेल वाटर लिली एंड ऑयल, तो ऐसे है इसकी बॉटल, इसकी काफ़ी 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 सारी बॉटल मेरे घर में आ चुकी है, खत्म होने के पहले ही हम इसे फिर से रीपर्चेज कर लेते हैं, तो हमेशा ही मेरे घर में ये वाला रहता है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है ये वाला शावर जेल, एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, ये इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फ्रेश लगता है इसे शावर लेने के बाद। एंड बाय द वे इसमें भी आपको मिलती है 250 ml की क्वांटिटी, बड़ी सारी बॉटल लेने का एक फायदा ये है कि आपको बहुत टाइम तक बार बार उसे खरीदना नहीं पड़ता, ये भी अगेन आपका 4 to 5 months आराम से चल जाती है एक बॉटल, और इसका MRP है आपका आई एम सॉरी गाइस मुझे इसका प्राइस याद नहीं है, स्टिकर लगा हुआ है तो, बट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी आप इसका प्राइस क्या है आप देख लेना। बाकी ये भी बहुत अच्छा शावर जेल है इसलिए ये टॉप 5 की लिस्ट में आया है। सो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ लास्ट शावर जेल, एंड एक्चुअली 5 नहीं है 6 शावर जेल्स है, थंबनेल और टाइटल पे मैंने टॉप 5 इसलिए लिखा बिकॉज जो लास्ट और एक शावर जेल है उसकी बॉटल नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने टॉप 5 ही लिखा है टाइटल और थंबनेल में, नहीं तो मैं टॉप 6 लिखती। तो अभी जो मेरे पास बॉटल है मैं वो दिखा देती हूँ। 5th शावर जेल है मेरा प्लम का, ये प्लम के जो शावर जेल एंड इसके बॉडी मिस्ट्स है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं अभी यूट्यूब पे, एंड एक्चुअली उनकी क्वालिटी बहुत एक्चुअली अच्छी है। मेरे पास जो है ये है आपका प्लम बॉडी लविंग शावर जेल उप्सी डेजी, बहुत 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 अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। अगर इस वीडियो के पहले इसका रिव्यू चला जाएगा तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के बाद मैं इसका भी एक छोटा सा रिव्यू करके अलग से डाल दूंगी, बिकॉज बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं उप्सी डेसी का अलग से एक रिव्यू करके आपके साथ शेयर करूं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस आज भी मैंने इसी से शावर लिया है, एंड ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, ये पंप के साथ आता है इसकी बेस्ट चीज़ है, एंड जितने भी अभी मैंने आपको दिखाया किसी में भी पंप नहीं था बट इसमें पंप है। इसमें आपको क्वांटिटी मिलती है 240 ml की, इसका MRP है 380 rupees, बहुत अच्छे से ये झाग करता है, आपकी स्किन के ऊपर काफ़ी जेंटल रहता है, लाइक अगेन आप देख सकते हो ये भी जेल बेस है, मैंने पहले भी बोला है मुझे पर्सनली जेल बेस शावर जेल ही पसंद है, ये स्किन को ड्राई नहीं करते हैं, स्किन पे हार्श नहीं होते, ये भी अगेन आपका स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं है। एंड इसकी 2 बॉटल है मेरे पास और एक रखी हुई है न्यू बॉटल, ये मेरा आधा ही हुआ है और मैंने एक न्यू बॉटल ले ली है इसकी, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। इसका मैं एक सेपरेट रिव्यू जो करूँगी अभी अलग से, उसमें मैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बता दूंगी। एंड प्लम का और एक शावर जेल है हुआन रुम्बा, आई थिंक ऐसे कुछ उसका नेम है, मैंने कभी वो ट्राई नहीं करा है बट बहुत बहुत सारे लोगों को मैंने दिखा है यूट्यूब पे उसकी तारीफ करते हुए, एंड मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैं हुआन रुम्बा का भी आपके साथ रिव्यू करूँ। कुछ टाइम बाद मैं उसे परचेज करके उसका भी डेफिनेटली आपके साथ एक रिव्यू शेयर करूंगी। तो ये थे मेरे टॉप 5 शावर जेल्स, एक लास्ट जो है जिसकी बॉटल नहीं है मेरे पास वो है फियामा डिविल्स का शावर जेल। फियामा के शावर जेल्स बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बोलते हुए सुना है कि फियामा डिविल्स के शावर जेल की क्वालिटी बॉडी शॉप के शावर जेल की जैसी होती है, लाइक इतना अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। उसका एक पर्टिकुलर वेरिएंट है, मैं उसका नाम भूल गई, मैं उसकी इमेज यहाँ स्क्रीन पर डाल दूंगी, वो मेंथॉल वाला है, समर्स में वो बहुत अच्छा लगता है, समर्स में आप उसको ज़रूर ट्राई करना, उसे काफ़ी ठंडा ठंडा लगता है नहा के। मेरे पास अभी उसकी बॉटल नहीं है तो ना मुझे उसका MRP याद है ना कुछ, बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर डाल दूंगी, इन फ्यूचर मैं डेफिनेटली उसका एक रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं रिव्यू भी नहीं कर सकती, ना ही मैं बॉटल दिखा सकती हूँ, बट हाँ मेरे पास और एक रिकमेंडेशन थी शावर जेल की, वो है फियामा डिविल्स का, वो मेंथॉल वाला, इनफैक्ट उसके बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहो अगर वीडियो पसंद आया है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।